हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और उसके टाइप्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पूरा पसंद आए, आपको लेक्चर समझ में आए, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज के टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दियर टाइप्स के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? व्हाट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? व्हेन ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस बाय अ सिंगल पेरेंट्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फ्यूजन, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स जब कोई भी ऑफस्प्रिंग जो होता है वो किसी एक सिंगल पेरेंट्स से प्रोड्यूस होता है बिना गैमेट के फ्यूजन के, तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। Asexually reproduced offspring are not only similar to one another but also exact copy of their parents. ये जो asexual reproduced organism होते हैं सिर्फ एक दूसरे से ही similar नहीं होते हैं, बल्कि ये अपने parents से exact copy होते हैं। So these type of offspring are genetically and morphologically similar to each other and called clone. ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो ऑफस्प्रिंग होते हैं जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं, ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों तरीके से एक दूसरे के इतने सिमिलर होते हैं कि इन्हें हम क्लोन कहते हैं। अब हम लोग करेक्टरिस्टिक ऑफ एसेक्सुअली प्रोडक्शन की बात करते हैं। अ सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, यानी यूनिपेरेंटल कंडीशन होती है एसेक्सुअली प्रोडक्शन में। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड है कि गैमेट्स आर नॉट फॉर्म, जो गैमेट्स ऑफ फॉर्मेशन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। तीसरा, अगर हम करेक्टरिस्टिक की बात करें तो फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फर्टिलाइजेशन होता है उसका कहीं पे भी कोई आप कहेंगे एक भी कोई पॉइंट आप नहीं देखने को मिलेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। चौथी की बात करें, देयर इज द ओनली माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होती है, यहाँ पे मियोसिस नहीं होती है। इस पूरे रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस के थ्रू ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। पांचवा बात करें तो डॉटर ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, मतलब जो भी डॉटर ऑर्गेनिज्म होती हैं, जो भी ऑफस्प्रिंग ऑफ्टन होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली पूरी तरह से आइडेंटिकल होते हैं। सिक्स करेक्टरिस्टिक फीचर्स वो है मल्टीप्लीकेशन अकर वेरी फास्ट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो मल्टीप्लीकेशन होता है 102, 2 से 4, 4 से 8, तो ये बहुत तेज़ी से साथ इसमें आप देखेंगे आप यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें सबसे पहले बाइनरी फिशन आता है। देन फिर उसके बाद हम लोग बर्डिंग के बारे में जानेंगे। बर्डिंग के बाद फ्रेगमेंटेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे रीजनरेशन के बारे में। रीजनरेशन के बाद हम लोग जानेंगे स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन के थ्रू कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और लास्ट में हम लोग जानेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।